सलाम वालेकुम दोस्तों। ये लिक्विड के बारे में, आज फिशिंग लिक्विड विंटर में ठंड के मौसम में फिशिंग लिक्विड में 2 दिन शिकार करा उससे। आप लोग आज जो नए आए उन लोगों को पिछले वीडियोस आप देख ले सकते हैं, 2 दिन फिशिंग करे सो। तो ये लिक्विड बनाने वाला हूँ मैं, वो लिक्विड क्या हिसाब से बनाना क्या है आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। बेहतरीन रिजल्ट है ये लिक्विड का। तो भोजन रेडीमेड है क्या, इसका नाम क्या है, ये कहाँ मिलता है, वो पूछ रहे थे। तो ये मिलने का कहीं भी नहीं है भाई, ये अपने अपने हाथ से बनाने का ही है। इसमें क्या क्या लगता है और ये कैसा बना लेना, मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूँ। इसमें अपने को ये हिंग है ये, और ये हल्दी है, ये थोड़ा खाते से सोडा ले लेना। ये कैसा बनाना मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये इसको उबालना पड़ता, थोड़ा उबाल के बनाना पड़ता। ये ठंड के मौसम में आप लोग बहुत जबरदस्त शिकार कर सकते। फिर भी आप लोगों को थोड़ा जानकारी के वास्ते क्या है बोले तो, शिकार से पहले चराई करना जरूरी है। वो चराई कैसा करना बोले तो, जो अपन ये लिक्विड बना ले रहे हैं, अब ये लिक्विड डाल के चराई नहीं करना। चराई में खाली हींग और थोड़ी हल्दी मिलाना, मतलब दो आटे में पहले मिला लेना, मिला लेके चराई करना। चराई होने के बाद ये अपन लिक्विड मिला लेना आटे में, वो क्या हिसाब से चराई बनाना और कितना उसको पकाना पड़ता, वो क्या 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 है वो अपन को क्लियर में बता देता हूँ मैं। पहले थोड़ा पानी ले लेना इसमें, ये छोटी गिलास, 1 गिलास पानी है, ये छोटी 1 गिलास पानी डाल लेके पहले अपन स्टोव सुलगा लेना। उसके बाद ये स्पून है, स्पून से मैं ऑलरेडी ज्यादा मेरे पास बने हुआ है, इसके वजह से मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के वजह से बना रहा हूँ ये। हाँ जी, ये हिंग है, ये थोड़ा बड़ा स्पून है चाय का, आप लोगों को छोटा छोटा स्पून लियो। ये 1 चमचा लिया तो मैं, कि पानी लाइट गर्म होने के बाद 1 चमचा हींग डाल देना इसमें। ये पक्के पूरा ऐसा, ये पक्के इसमें झाग बोलते हैं, झाग आता है इसमें, वो पूरा अच्छा आने के बाद ये 1 मिनट आप लोग वहां ठहरे तो मैं ये झाग बताता हूँ। अब मैं 1 चमचा इसमें डाला हींग, ये पकने के बाद थोड़ा इसमें स्मेल आता, स्मेल आने के बाद अपने को और एक आइटम इसमें मिलाने का रहता। हाँ, ये हिसाब से आया था हीट होके, ये हिसाब से हीट होके आने के बाद इसमें सोडा डालना है, खाने का सोडा, खाने का सोडा है, खाने का सोडा है, ये जो पकोड़ों में उसमें भजियों में डालने का सोडा रहता, ये सोडा थोड़ा लेना है। वो 1 चमचा है तो ये थोड़ा सिर्फ आप लोग, मैं हाथ में डाल के बताता हूँ, ये इतना ही सोडा रहना है। ये 1 चमचा हींग डाले तो सोडा इतना रहना। अब ये सोडा डालने के बाद थोड़ा और ज्यादा ऐसा ऊपर आता है, ये देखो एक बार आप लोग, ये ऐसा आ जाता पूरा चावल पके जैसा आ जाता। ये ऐसा आने के टाइम पे अपने को हल्दी डालने का रहता, ये हल्दी है टर्मरिक, ये हल्दी का 1 चाय के स्पून से ये भी एक एक स्पून डालना है इसमें। अब देख सकते हैं एक बार, ये हिसाब से बन जाता पूरा। अगर ये खाने का सोडा अगर ज्यादा डाल दिए तो अपन ये कलर इसका लाल हो जाता, थोड़ा ज्यादा हो जैसा है, ये कलर लाल हो गया। आप लोग खाते जो सोडा थोड़ा और कम डाल लो, कम डाले तो ये लाल नहीं होता है, मिर्ची डाले सर का हो गया, हल्दी डाले तो। अब ये रेडी है, हो गया ये, बहुत बहुत आसान है ये बनाना।
अब ये ठंडा करके स्टोर कर लेना इसको। ये सोडा बढ़ने से ऐसा ये कलर आया था इसका। अगर सोडा अपन और थोड़ा कम डाल लेना, ये ज्यादा हो गया इसमें। मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में जरा ज्यादा डाल दिया सरका है। तो ये लिक्विड है दोस्तों, बहुत आसान है ये बनाना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप चराई करे तो ऐसी खुला खुला डाल दो, अगर चराई नहीं करे तो शिकार बहुत कम होता ठंडों के मौसम में, आप लोगों को मालूम है। और नए जने जो भी हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट वीडियोस मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।